नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। लोकसभा चुनाव से पहले आज का दिन चुनाव प्रचार के लिहाज से सुपर संडे के रूप में रहा। आज रविवार का दिन जहां इंडिया गठबंधन की रैली दिल्ली में हुई, तो एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में चुनावी महारैली के अभियान के साथ में शुरुआत की। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के विरोध में हुई विपक्षी दलों की रैली में लोकतंत्र बचाओ का नारा लगा, तो मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर जमकर वार किया और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मोदी रुकने वाला नहीं है। कैसा रहा सियासी रविवार, करेंगे इस खबर पर आज विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने की दी गारंटी। कहा, जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत बनाने के लिए है 2024 का चुनाव। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली में जुटे विपक्षी दलों के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे से लेकर तेजस्वी येचुरी समेत कई दलों के नेता हुए शामिल। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नियों ने भी जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष की रैली पर भाजपा का पलटवार, कहा ये लोकतंत्र बचाओ नहीं बल्कि परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली। अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छिपाने के लिए रामलीला मैदान में जमा हुए हैं विपक्षी दल। कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने के मुद्दे पर तमिलनाडु में गरमाई सियासत। प्रधानमंत्री विपक्ष पर बरसे, कहा 5 दशक पहले कांग्रेस ने भारत से अलग कर दिया था मां भारती का एक अंग। कांग्रेस और डीएमके ने कहा, लोकसभा चुनाव के कारण हो रही है राजनीति। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सीकर में किया भव्य रोड शो, उमड़ी लोगों की भारी भीड़। भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर किया मंथन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने कहा, आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित होते देखना बेहद खास। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईस्टर। ईसाई धर्म के अनुयायियों के गिरजाघरों में प्रार्थना कर एक दूसरे को दी बधाई। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां, खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से चुनावी हुंकार भरी है। 2014 और 2019 के आम चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही की थी और आज भी 2024 के अभियान की जब उन्होंने मेरठ से शुरुआत की तो विपक्षियों पर वो जमकर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया तो समाज के हर वर्ग के लिए किए गए कामों को भी वो गिनाना नहीं भूले। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब वो कार्रवाई कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारियों के जो विपक्षी नेता हैं वो बहुत उनको दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। पीएम मोदी ने के साथ आरएलडी के नेता जयंत चौधरी सहित एनडीए के अन्य नेता भी रैली में मौजूद रहे। विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती मेरठ में प्रधानमंत्री ने जनसभा में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने की गारंटी दी। मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा
जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। बीते 10 साल का हिसाब देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि महिलाओं को सुविधा, सुरक्षा, सम्मान मिला है। किसानों और जवानों सहित गरीबों को भी स्वाभिमान मिला है। वहीं असंभव लगने वाले कार्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हुआ है। अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है ब्रज में कांगना और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही, इस बार अवध में राम लला ने भी खूब होली खेली। प्रधानमंत्री ने तीसरे टर्म में भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने, महिलाओं, गरीबों और किसानों की समृद्धि के लिए जनता से सहयोग मांगा। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एनडीए की ओर से मेरठ की इस रैली में आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल हुए। उन्होंने भी इस रैली को संबोधित किया। चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री थे, रेडियो का कार्यक्रम चल रहा था, चौधरी साहब ने सुना कि उन्हें पद से हटा दिया गया है, उनसे मंत्रालय ले लिया गया है, गाड़ी सरकारी उनके लिए खड़ी थी। उन्होंने ड्राइवर को कहा मैं सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, इस गाड़ी को वापिस आप ले जाइए लखनऊ। ऐसी ईमानदारी चौधरी साहब की थी। और आज हम देखते हैं गंभीर आरोप के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी सत्ता के सुख को लोग भोगना चाहते हैं। तो जयंत चौधरी ने सीधे तौर पर एक तरीके से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि कैसे चौधरी चरण सिंह और इस वक्त के जो स्थितियां हैं उसमें कैसा एक फर्क था। एक ईमानदारी को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कटाक्ष किया। बात अगली खबर की करते हैं। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई। भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की हुई गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की भावनात्मक अपील के बाद विभिन्न दलों के नेताओं ने ईडी समेत अन्य एजेंसियों पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया, तो जनता से इन विपक्षी दलों का समर्थन करने की अपील भी की। विपक्षी दलों के कई बड़े चेहरों के दिल्ली में मौजूदगी के बीच ममता बनर्जी की मंच से गैर मौजूदगी रही। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली के दौरान विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और जमीन घोटाले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी रैली को संबोधित किया। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का, हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के बैंक खातों का मुद्दा उठाया। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए, बैंक अकाउंट बंद करने थे 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इंडी गठबंधन को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कही, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनाव में अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद जताई। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया,
दूसरा बॉम्बे में किया और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां जनता का साथ आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से यह ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। टीएमसी ने कहा कि वो भी गठबंधन के साथ है। एक नया ऊर्जा हमारे भारत की राजनीति में आज पैदा हुआ, जो यहाँ पे सामने खड़ा है, जो जीतवाएगा देश की संविधान को, जनतंत्र को। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पूरा समर्थन, ममता बनर्जी का पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। मैं ये भी दोहराना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तरफ से हम इंडिया अलायंस में शामिल हैं। इंडी गठबंधन की जनसभा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा जाए, सियासत के लिहाज से आज बड़ा गहमा गहमी भरा दिन रहा और इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी। चुनावी रविवार, प्रचार दिखा धुआंधार, क्योंकि आज रविवार के दिन लगातार प्रचार दिखाई पड़ा है, चाहे दिल्ली में विपक्ष की रैली हो या फिर एनडीए की रैली मेरठ में हुई, जहां प्रधानमंत्री ने आज चुनावी शंखनाद किया, हुंकार भरी है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करते हैं। सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ में मौजूद है, प्रवक्ता हैं बीजेपी की ओर से, इसके अलावा नीरज मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की ओर से, और अशोक टंडन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आज जो दिल्ली के रामलीला मैदान में जो इतनी बड़े नेताओं के साथ में आप लोगों ने पूरी रैली की है, ये अपने आप में एकजुटता दिखाने की फिर से कोशिश रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक तरीके से भावनात्मक कोशिश की जा रही है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की ओर से जो शुरुआती वक्तव्य दिए गए, तो बात यही निकल रही है क्या एक विक्टिम कार्ड खेलती हुआ विपक्ष इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। हरेंद्र जी, जी आज देश बड़ा आक्रोशित था, क्योंकि आज फिर से देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का जिस तरीके से अपमान किया गया और उसके बाद माफी तक नहीं मांगी गई, आज पूरे देश का अनुसूचित जातीय जनजातीय वर्ग जो है और देश की महिलाएं ये सोच रही हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी का अगर ऐसा अपमान होता है तो वो मणिपुर की बहनों के साथ जो हो रहा था, जिस पर विपक्ष इनसे सवाल पूछ रहा था, उसमें जवाब क्यों नहीं आया, उस बात के ऊपर आज एक और ठप्पा लग गया। जहां तक रही आज जो दिल्ली के अंदर हमारी इंडिया गठबंधन की जो रैली थी, आज देश के 28 दलों ने और लाखों लोगों ने जो आज रामलीला मैदान में खड़े थे, उन सब ने देश की जनता के सामने ये मैसेज क्लियर कर दिया कि देश में संविधान की लड़ाई लड़ने वाली ये 28 पार्टियां आपके सामने एक ऐसा डेवलपमेंटल मॉडल रख रही हैं जिसके अंदर आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा उस जो बेरोजगारी का अन्याय काल था उससे। अच्छा नीरज जी, न्याय मिलेगा जी। नीरज जी, क्योंकि थोड़ा भाषण की बजाय तथ्यात्मक चर्चा करते हैं तो बेहतर, क्योंकि समय सीमित होता है, क्योंकि आप इस बात को कह रहे हैं, बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि साहब भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है, तो आप सब लोग एक साथ मिलकर परिवार को बचाने के लिए आ रहे हैं। आपने राष्ट्रपति जी का जिक्र किया तो निश्चित तौर से उनके समर्थन में कांग्रेस नहीं खड़ी हुई थी, यह भी बीजेपी लगातार कहती रही, और किस प्रकार से आपके एक वरिष्ठ नेता ने भी एक बयान दिया था, हालांकि उन्होंने बाद में माफी मांगी थी, वो भी अपने आप में बड़ा चर्चा में रहा था, लेकिन मसला भ्रष्टाचार बनाम लोकतंत्र को लेकर है, और उसी रामलीला मैदान पर जहां से केजरीवाल ने अपने आप को खड़ा किया आपके विरुद्ध, एक तरीके से पूरी उन्होंने सियासत को लेकर आगे बढ़े थे।
नरेंद्र जी, मैं आपको देखिए भाजपा के नेताओं के नाम लेकर बोलने लगूंगा तो शायद पैनल पर सब अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। मैं सिर्फ तथ्य रख देता हूं, आज देश के अंदर ईडी, सीबीआई और आईटी के 4500 के करीब मामले चल रहे हैं, जिसके अंदर लगभग 93% जो मामले हैं वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर है। ये आंकड़ा कम क्यों हुआ? पहले 97% था, क्योंकि 4% जो नेता थे वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में चले गए और उनके ऊपर कार्रवाई बंद हो गई, जैसे छगन भुजबल की फाइल खो गई और अजीत पवार जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का मोदी जी ने आरोप लगाया उनके बारे में कहा गया कि गलती से नाम ले लिया गया। तो जिस तरीके की ये जो पार्टीजन कार्रवाई हुई, जिसके अंदर आपने देखा कि पिछले 10 साल के अंदर विपक्ष की हर उस बुलंद आवाज को किसी ऐसे मामले में फंसाने की कोशिश की गई जिसके अंदर पीएमएलए कहीं से छुपा के घुसा दिया जाता हो, क्योंकि ये आपका जो राजनीतिक आरोप है नीरज जी, उसमें कोर्ट भी कहीं ना कहीं लगातार राहत नहीं दे रहा, ये भी एक तथ्य है। सिद्धार्थ जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए, सिद्धार्थ जी मैं आता हूं, नीरज जी मैं आता हूं, अभी समय है हमारे पास, मैं सिद्धार्थ जी, क्योंकि वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जान के परेशान करने की नीयत से ऐसा कर रहे हैं। देखिए, पहले तो नीरज जी ने एक बड़ी गंभीर बात बोली, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि खासकर आपके चैनल पर अगर बिना फैक्ट के कोई ऐसा झूठ और वो भी देश की महामहिम के बारे में कहा जाएगा तो मैं मानता हूं कि वो बहुत गलत है। आज भारत रत्न की उपाधि हमारे देश के एक महान नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को दी जा रही थी, वो जिस प्रकार का एक नैरेटिव कांग्रेस पार्टी बहुत बेशर्मी के साथ पूरे सोशल मीडिया पर बनाने का प्रयास कर रही है, मैं मानता हूं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बाय प्रोटोकॉल राष्ट्रपति हमारे देश की जब कभी भी किसी को भारत रत्न देती है तो वो स्वयं खड़े होकर के देती है। बाय प्रोटोकॉल लेने वाले व्यक्ति वो चाहे फिर असहज हो, असमर्थ हो, खड़े होने में बैठने पे ये लिबर्टी उनको दी जाती है। बाय प्रोटोकॉल अन्य जितने भी लोग वहां पे उपस्थित होते हैं कोई भी उस समय में खड़ा नहीं होता, उसके बावजूद, ये सब कुछ जानने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अपना आज एक स्मियर कैंपेन फिर से हमारे इस देश की महामहिम के खिलाफ शुरू किया। और शायद जो बात हमेशा से देश की जनता कहती आ रही है कि कैसे इस देश की एक ट्राइबल महिला देश के शीर्ष पद तक पहुंच गई है, वो देश की महामहिम बन गई, ये बात कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही और इसलिए ऐसी बात कहती है, ये तो फैक्ट की बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आज हमारी रैली में हमने एक मॉडल रखा देश के सामने, ये न्याय करेगा ये मॉडल, ऐसी बात वो कह रहे थे। मैं तो आज उस रैली के मंच को देख करके अपने मन में सोच रहा था कि न्याय तो आतिशी जी के साथ ही नहीं हो पा रहा, और तो किसके साथ होगा। मतलब परिवारवाद की परिभाषा देखिए कि इतने मेहनत करने वाली आतिशी जी आज सेकंड रो में बैठी थी, पर मात्र केजरीवाल जी की धर्मपत्नी होने के कारण सुनीता केजरीवाल जी को पहली पंक्ति में सोनिया गांधी जी के साथ की कुर्सी मिली थी। ये जो आज था, ये देश ने देखा कि कैसे 10 साल पहले आम आदमी पार्टी नाम से पार्टी बनाकर अरविंद केजरीवाल जिन जिन लोगों को गालियां देते थे, जिन जिन की फाइलें निकाल करके लाते थे, जिन जिन को महाभ्रष्टाचारी बताते थे, जिन जिन के खिलाफ कसमें खाते थे, आज उन्हीं के साथ आकर के खड़े हो गए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरुआत की थी और इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन पर ये आ गए, ये देश की जनता ने आज देखा है। चूंकि इनका डीएनए एक है, चूंकि इनका डीएनए मात्र परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर के चलता है, उसी से कंप्राइज इनका डीएनए है, आज ये एक डीएनए वाली सारी पार्टियां वहां पर उपलब्ध थी। रही अंतिम बात, आपने कहा आईटी परेशान कर रही है, ईडी परेशान कर रही है, देश की कोर्ट्स पर कुछ तो भरोसा रखिए, 1.5 साल 1 साल 6 महीना किसी को बेल नहीं मिलती। कोर्ट, अभी हाईकोर्ट ने केजरीवाल जी की फाइल देखी ईडी से, उन्होंने मना कर दिया, इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं देंगे, नहीं पहले भी रिजेक्ट किया फिर से रिजेक्ट करते हैं, कोई आपको बेल नहीं दे रहा क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं, कोई आपको बेल नहीं दे रहा क्योंकि आपने घूस खाई है। इधर उधर की बात मत, ठीक है, सच्चाई की बात पर आई है, वो सच्चाई यही है कि आप लोगों का डीएनए अब देश के सामने एक्सपोज हो चुका है, इसीलिए देश आपको। अशोक टंडन जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद, अशोक जी क्योंकि आज की अगर बड़ी दोनों रैलियों के लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली में विपक्ष की रैली और उधर एनडीए की रैली मेरठ में, एक तरफ था लोकतंत्र बचाओ, एक तरफ था कि भ्रष्टाचार भगाओ, सीधे तौर पे ये दिखाई पड़ रहा था। आपको लगता है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, उस लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, यहां से बात कैसे आगे बढ़ती दिखाई पड़ेगी? अशोक जी देखिए, चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है और आज दो जो अलायंस देश के सामने हैं उनकी तरफ से आज चुनाव अभियान का विगुल फूंक आ गया। लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात जो देखने की थी पत्रकार के नाते कि एक अलायंस की रैली में वो गठबंधन के साथी थे जिन्होंने अपनी सारी सीट एडजस्टमेंट्स कर ली, क्योंकि चुनाव अब सिर पर आ गया है, पहला चरण आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ वो एक वो अलायंस था जिसमें लोग तो इकट्ठे होकर हाथ में हाथ लेकर खड़े थे, लेकिन अपने अपने राज्य में या अन्य राज्यों में
वो अभी तक चुनावी गठबंधन ही नहीं कर पा रहे, सीट एडजस्टमेंट भी नहीं कर पा रहे, तो वो ये एनडीए के खिलाफ अगर लड़ाई एकजुटता की है तो उसको जमीन पर गठबंधन द्वारा दिखाना पड़ेगा, सीट एडजस्टमेंट के द्वारा दिखाना पड़ेगा। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है पीडीपी का अलायंस नहीं हो रहा है, बिहार देखें तो आरजेडी कांग्रेस का अलायंस नहीं हो रहा है, यूपी देखें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस नहीं हो रहा है, इवन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं हो रहा है। तो ये सब मिलकर एक मंच पर तो आ गए, लेकिन ये जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो ये अगर एकजुटता नहीं होगी तो ये कैसे हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को, इस बात पर आज कोई नहीं बोला। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये देखी मैंने कि चाहे रैली किसी भी कारण से बुलाई गई थी रामलीला मैदान में, लेकिन अधिकांश पार्टियों के नेताओं ने उसे अपने दल की राजनीति एक चुनावी सभा बनाकर उसी तरह के भाषण दिए, तो कहीं एकजुटता की बात किसी भी नेता ने नहीं की। तो मेरा यह मानना है कि देखिए जनता जब देखेगी चुनाव में तो वोट देने के समय वो ये देखेगी क्या ये गठबंधन इसमें कोई एकता है, क्या सीटों का एडजस्टमेंट है, दिल्ली में 3 सीट 4 सीट का एडजस्टमेंट है, पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीट लड़ रही है। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि आज एक कोशिश तो जरूर की विपक्ष ने कि हम सब इकट्ठे एक मंच पर आए, लेकिन उसमें कहीं चुनावी एकता दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सबके अपने अपने कार्यक्रम है, सबके मैनिफेस्टो भी अलग होने वाले हैं, कहीं पर कोई कॉमन मैनिफेस्टो नहीं है, कॉमन लीडर नहीं है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, सीट एडजस्टमेंट भी नहीं है। ये तथ्य जो सामने जनता के सामने आएगा तो जनता को लगेगा कि भाई हम क्या विकल्प हमारे सामने, बिल्कुल विकल्प क्या आएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल आपके पास विकल्प क्या, बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था जी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है जी। नीरज जी, क्योंकि ये अपने आप में रामलीला मैदान वही है जहां पर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ बहुत कुछ बोल के अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। आज वही कांग्रेस ना जाने कितना कुछ उल्टा सीधा सुनने के बाद आज अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी नजर आ रही है, जनता को कैसे समझाएंगे? क्या ये सिर्फ चुनाव जीतने की कोशिश के लिए आप एक साथ आ गए हैं? आखिर क्यों इतना कुछ सुनने के बाद भी एक क्यों आया? नरेंद्र जी, लोकतंत्र के अंदर तो जनता मालिक है, जनता मालिक तो ये भी देख रही है कि कैसे उड़ीसा में बीजेडी के साथ ये लोग गठबंधन कर रहे थे और 2 दिन पहले नवीन पटनायक जी ने कहा कि मोदी जी प्लीज गेट आउट, हम आपके साथ गठबंधन नहीं कर सकते। ऐसा ही पंजाब में हो रहा था कि अकालियों के साथ जाके गठबंधन करेंगे, आज तक हो क्या रहा है? सर नीरज जी, आप नीरज जी माफी से आपको माफी के साथ रोकने जा रहा हूँ। आप देखिए डांटने वाले रूप में मत आइए, मैं आपको गलत बात नहीं है, मैं आपसे अगर सवाल करूंगा और आप अगर हर बार एक लॉजिक देंगे आप उनका गिनाने लगते, मैं आपसे सीधा सवाल पूछा आपका तर्क है, मैं वही मैं कह रहा हूँ। इतना सर इतना राजनीतिक बहस है सर, बहस है, लेकिन ये चुनाव का मंच नहीं है सर, चुनाव का रैली का मंच नहीं है कि आप कितने भी समय बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, देखिए आप इस तरह से नहीं कह सकते, मैं कह रहा हूँ कि एक समय सीमित होता है, अगर तथ्यात्मक सीधा बात रखेंगे तो कम जी मेरी बात तो पूरी कर, लेकिन सर आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सवाल पूछा, आप बीजेपी बीजेडी पे चले गए, आप अपना बता के उनपे आइए तो आपको पूरा समय, आप उनपे आरोप भी लगाइए और आप रख रहे हैं अपनी बात। जी नरेंद्र जी, सवाल पूछने का काम आपका है, जवाब देने का मेरा काम है, बिल्कुल मैं क्या जवाब, सीमित समय में बिल्कुल नहीं करूंगा। सीमित समय में आप यहाँ पे राजनीतिक भाषणबाजी ना करें, ये भी मैं ध्यान रखूंगा, मैं चाहूंगा कि तथ्य पे आप अपनी बात रख दें, हम आगे बढ़े। जी अरविंद जी, रात में क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, मुझे राजनीतिक भाषणबाजी करनी होती ना जी, मैं कहता कि मुझे आप अपनी पत्नी को ले आए उस मंच पर। नहीं देखिए, आप छोड़ दिया शब्द इस्तेमाल नहीं किया, आप ये गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं जी, आप गलत रास्ते में चले गए, बिल्कुल आप इसीलिए मौजूद है सर, नीरज जी आप इसीलिए मौजूद है। देखिए आप भी मौजूद है, बीजेपी भी मौजूद है, आप अपनी बात रखी नहीं रहे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आप अपनी कांग्रेस और आपके गठबंधन की बात को जवाब रखते, फिर उन पे आरोप भी लगा दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे। नरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है कि जो देश के अंदर आज जो सत्ता पक्ष है वो एक पार्टीसन तरीके से देश के विपक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रहा है।
आज अगर जिस तरीके से ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लेकर घोटाले के सूत्रधार है, तो ईडी को समझाइए और बुझाइए कि आप चार्जशीट करिए, ट्रायल कराइए और उनको जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दीजिए। लेकिन आज जो 2017 में आपने पीएमएलए के एक्ट के अंदर जो चेंजेस किए थे, ये कहकर कि हम ड्रग के पैसे को रोकेंगे, हम बाहर से आने वाले इलिसिट पैसे को रोकेंगे, जिसके तहत आज जिसके ऊपर आरोप लगता है उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है, ये ऐसा एक काला कानून है। ठीक है, ये संसद से पास हुआ कानून है, कोर्ट की दहलीज से निकला हुआ कानून है, समय सीमित है। सिद्धार्थ जी, आप उनके आरोप पर क्या अपनी बात रखेंगे? सिद्धार्थ जी नीरज जी, मेरे को कुछ आवाज कट गई थी, आप एक बार। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि वो लगातार आरोप लगा रहे हैं आप ही के ऊपर कि साहब आप गलत इस्तेमाल, वेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड होने का मौका नहीं दे रहे उनको। देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि नीरज जी ने आज एक्सेप्ट कर लिया कि आप सवाल कुछ भी पूछिए वो जवाब अपना ही देंगे, वो अपना जवाब आपको जवाब नहीं देंगे। उन्होंने कह दिया शो पर कि सवाल पूछना आपका काम है, जवाब देना मेरा काम है, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। यही तो पूरा विपक्ष करना चाह रहा है, पर आपने मुझसे सवाल पूछा ना, उसका बिल्कुल जवाब देता। आप चार्जशीट पर पूछना चाहते हैं, आप अपने लोगों की बेल पर पूछना चाहते हैं। इस देश की जितनी संविधानिक व्यवस्थाएं हैं, हर उस प्लेटफॉर्म पर आप पहुंचे, आपने वहां जाकर अपने नेता को बेल के लिए कोर्ट से आग्रह किया। जो सरकार की एजेंसियां जो आपको प्रोसिक्यूट कर रही हैं, उन्होंने इतने तटस्थ सबूत वहां पर कोर्ट में दिए कि उसके बाद देश की कोर्टों ने तय किया कि आपको बेल नहीं मिलनी चाहिए। एक ओकेजन पे नहीं, कई ओकेजन पर। अब आप टेलीविजन पर कुछ और बात बोलेंगे, कोर्ट में कुछ और बात बोलेंगे। जितनी बातें आप टेलीविजन पर बोलते हैं, थोड़ी जाकर के कोर्ट में भी बोल दीजिए। पर आपको पता है कि कोर्ट में झूठ नहीं बोला जा सकता, जी सिद्धार्थ जी, सच बोलना पड़ेगा। और इसीलिए जब यह कहा जाता है, जो कोई सच्चा आदमी होगा, आप मेरे को एक बात बताइए, अभी ईडी ने लास्ट हियरिंग में कहा कि केजरीवाल जी ना कॉपरेट कर रहे हैं, ना पासवर्ड देना चाहते हैं, ना कुछ और देना चाहते हैं। एक बार केजरीवाल जी ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर रहा कॉपरेट, छोड़ दीजिए, मैं कह ही नहीं रहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कॉपरेट कर दिया, अगर पासवर्ड दे दिया, जो सच्चा आदमी होगा आप या मैं, मेरे को कोई आकर पूछेगा, मैं कहूंगा बताइए मेरे से क्या जानना चाहते हैं। ये जो भ्रष्टाचार के डीएनए वाले लोग हैं, ये आ तो गए सप्ताह में झूठ बोलते बोलते, पर आज देश में एक ऐसा कार्यकाल चल रहा है जो इनके पॉलिटिकल एजेंडाओं से, इनके नैरेटिव से नहीं डरता है, ठीक है, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी वाली सजा देता है। इसीलिए ऐसी अशोक जी क्योंकि ये कई बार लगातार हो रहा है कि जब विपक्ष के, अभी जैसे धीरज जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस से उनसे सवाल आप करिए तो वो बीजेपी का गिनाना शुरू कर देते हैं, तथ्यात्मक तरीके से बात कई बार निकल के नहीं आती, और कई मामलों में आंकड़ों को लेकर इस प्रकार का एक परसेप्शन दिया जाता है कि जनता के सामने स्थिति कई बार स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। देखिए प्रधानमंत्री लगातार, और आज मेरठ की रैली में भी, भ्रष्टाचार जो मुख्यमंत्रियों के खिलाफ या राज्यों में गैर भाजपा सरकारों में हुआ, उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी सरकार को, केंद्र सरकार में कोई भी विपक्ष एकजुटता के साथ या अलग से एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा नरेंद्र मोदी सरकार के सामने नहीं ला पाया। नहीं तो यही विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जरूर एक होता और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाता। देखिए यूपीए की सरकार कैसे गई थी 2014 में, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा था और जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई कि वो सरकार को बाहर किया। तो क्यों नहीं ये एनडीए के खिलाफ किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप ला पाए? लेकिन एकजुटता इस बात पर है कि हमारे ऊपर ईडी लगाई जा रही है, लेकिन उनके ऊपर जो लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसके मामले में कोर्ट संज्ञान ले रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि विपक्ष पिछले 10 साल में क्यों नहीं एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर लगा पाई, ये उसकी सबसे बड़ी विफलता है। पर इसलिए शायद आज इकट्ठा भी नहीं हो पा रहे। और दूसरी बात यह है कि चुनाव के समय आपको लोगों से वोट लेना है, और अगर आप चुनाव में गठबंधन करके सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, सीट शेयरिंग नहीं करेंगे, तो वोट आप अपना वोट बांटेंगे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ का सारा वोट एकजुट नहीं कर पा रहे आप, और वोट बढ़ने से आप खुद ही नरेंद्र मोदी का फायदा उठा रहे हैं।
क्यों नहीं आप हर राज्य में एकजुटता दिखाकर अपनी सीट शेयरिंग कर पा रहे हैं? तो ये इसके बारे में तो कांग्रेस वालों को जवाब देना पड़ेगा। आज ममता बनर्जी बिल्कुल, और आज ममता बनर्जी की इस मंच से गैर मौजूदगी भी कहीं ना कहीं चर्चा रही कि आखिर उनकी पार्टी के नेता जरूर थे लेकिन वो क्यों नहीं थी, क्योंकि बंगाल में भी वहां पर ये एकजुटता दिखाई नहीं पड़ रही। फिलहाल वक्त इतना ही, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। साल बरस और सदी नहीं एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका, पताका चाय गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन, अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of Rs. 542 to Rs. 570 per equity share of face value Rs. 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी इंडिया गठबंधन की रैली में केंद्र सरकार पर कई प्रकार के आरोप लगाए गए विपक्षी नेताओं के माध्यम से, तो बीजेपी की ओर से लगातार इस पर जवाब दिया गया। क्या कुछ रहा वाकयुद्ध दोनों पक्षों की ओर से, किस प्रकार के रिएक्शन है, आइए आपको दिखाते हैं खबर। विपक्षी गठबंधन की रैली पर कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा ने हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि रामलीला मैदान से जिनके बड़े बड़े बोल सुनने को मिलते थे, अब वे भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं। देखिए, आज से कुछ साल पहले रामलीला मैदान में ही श्रीमान अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े बोल सुनने को मिलते थे। तब वो राजनीति में नहीं थे, तब कहते थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ, राजनीति में नहीं आऊंगा। वो राजनीति में आए भी और भ्रष्टाचार के दलदल में फंस भी गए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सभी घोटाले कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हुए और एक लुटेरा दूसरे लुटेरे का समर्थन कर रहा है। The people who have looted country in their support Congress is doing because Congress has also looted throughout their tenure. All these scams have been taken place during the tenure of the Congress party in this country and one looter is supporting the another looter. दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर उनकी आवाज, सोच और विचार को नहीं दबाया जा सकता। तो गिरफ्तार कर देंगे और अरविंद केजरीवाल के विचार और आइडियाज, उनकी सोच, उनकी आवाज दब जाएगी। जिस तरह से पूरे दिल्ली और पूरे देश से आज तानाशाही के खिलाफ जन सैलाब उमड़ा है, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लीडर आज यहाँ पर आए हैं। एक बात साफ है कि अरविंद केजरीवाल बाहर से ज्यादा अंदर ताकतवर है, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन द्वारा आयोजित रैली पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि ये रैली लोकतंत्र नहीं परिवार तंत्र को बचाने के लिए आयोजित की गई है। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्न प्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि भारत के टुकड़े टुकड़े करना कांग्रेस के DNA में है।
कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भारत के इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना है। ये वो पार्टी है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपने परिवार हित को हमेशा राष्ट्रहित के ऊपर रखा है। ये वो पार्टी है जिसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश के विभाजन और देश के टुकड़े हो जाए तो भी इससे कभी संकोच नहीं किया। युवराज तो देश को देश मानने से भी इनकार करते हैं, कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन, और विदेशी धरती से भारत के भीतर भारत की सॉवरेनिटी को छिन्न भिन्न करते हुए हस्तक्षेप की मांग भी करते हैं। इंडी गठबंधन की रैली पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये लड़ाई भारत को देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई, मिलजुल के लड़ेंगे और जीतेंगे। चुनावों के मौसम में जहां विपक्ष भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को करारा जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर देश की सुरक्षा से जुड़े एक मामले की। 1974 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा तमिलनाडु के पास स्थित कच्छ तिवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। यह जानकारी आरटीआई के माध्यम से बाहर आने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को जमकर घेरा है। पीएम मोदी ने भारत के एक अंग को काटने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ तमिलनाडु के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया बल्कि देश की संप्रभुता सुरक्षा के साथ भी समझौता किया। इस मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है तो भाजपा विपक्षी दलों पर मुखर है, हमलावर है। कच्छ तिवु द्वीप को लेकर कांग्रेस गंभीर सवालों में घिर गई है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच स्थित इस द्वीप को लेकर आरटीआई से सामने आई जानकारी के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमला बोल रही है। आरटीआई तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने दाखिल की थी। इसके जवाब से पता चलता है कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमावो भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत कच्छ तिवु द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। माना जाता है इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु में लोकसभा अभियान को देखते हुए यह समझौता किया था। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। पीएम ने कहा कि भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का 75 सालों से काम करने का तरीका रहा है। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। प्रधानमंत्री ने मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए इस मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के पाप की सजा देश को चुकानी पड़ी। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं, इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। कच्छ तिवु द्वीप को लेकर पीएम कांग्रेस पर पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं। 10 अगस्त 2023 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान पीएम ने इस मामले पर कांग्रेस को घेरा था।
पीएम ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए थे। उधर आरटीआई से मिली जानकारी के बाद कांग्रेस से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। आरटीआई डालने वाले के अन्नामलाई ने कांग्रेस और डीएमके दोनों को घेरा। हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ तमिलनाडु इन विच फिशरमैन फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हैड विदाउट एनी इंटरप्शन हैड फिशिंग राइट्स वाज मिस्टीरियसली सिडर अवे इन 1974। कांग्रेस व्हेनेवर दे वर इन पावर इन इंडिया they had the least interest in securing India's border, territorial integrity and sovereignty. लगातार सवालों के बीच कांग्रेस और डीएमके बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसे प्रोपगंडा करार दिया, जबकि डीएमके कह रही है कि ये कांग्रेस ने ही किया और कांग्रेस की इसी करने की वजह से जनता ने उन्हें 2014 में सत्ता से हटा दिया। They are all selected pieces of propaganda that they take out without any reference to the context. It is because there are elections going on in Tamil Nadu. All surveys show that the BJP is going to be badly smashed in Tamil Nadu, and not only Tamil Nadu. They are losing the their rhetoric and the narrative all over India. It was done in 1974. Much water has flown, but DMK ever since has objected to it. And when BJP has come to power, see, people threw away Congress in 2014 precisely because of this. What have they done? आरटीआई की सहायता से कच्चतीवु द्वीप को लेकर सार्वजनिक हुए तथ्य कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में इन सवालों पर जवाब देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कच्चतीवु द्वीप हिंद महासागर में भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये द्वीप 285 एकड़ में फैला है। ये द्वीप 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। इसके बाद ब्रिटिश शासन में ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया। फिर 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माओ भंडार नायके ने एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत कच्चद्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। तमिलनाडु में इसका जमकर विरोध भी हुआ था। उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इसका पुरजोर विरोध किया था, जिसके खिलाफ साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया और इस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। इसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। साल 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कच्चतीवु द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि गिफ्ट में इस द्वीप को श्रीलंका को देना असंवैधानिक है। साल 2011 में जब जयललिता एक बार फिर से तमिलनाडु की सीएम बनी तो उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराया। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस पर भारत के टुकड़े करने का आरोप लगाया और इस मामले का जिक्र किया था। और इस खबर के अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वर्ष खंडेलवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीडी न्यूज पे आपका स्वागत है। सर, इस पूरे मसले को समझना चाहते हैं आपके माध्यम से, क्योंकि जब ये भारत के माध्यम से श्रीलंका को सौंपने की प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त आपने एक सजग नागरिक के नाते इसको कोर्ट तक ले जाने की एक प्रक्रिया प्रयास किया था। क्या ये पूरा मामला था, क्या ये मसला था, थोड़ा उसको समझाइए सर। 1974 की बात है। उन दिनों ये चर्चा चल रही थी कि भारत सरकार, उस समय इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री, और वो कच्चतीवु जो आइलैंड है उसको श्रीलंका को भेंट करना चाह रही थी ताकि संबंध बेहतर हो सके। हमें लगा कि ये गलत कदम है, असंवैधानिक है, क्योंकि हम अपनी टेरिटरी को घटा नहीं सकते हैं, बढ़ा जरूर सकते हैं, और किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारी टेरिटरी को किसी को भी ऐसे ही दे दे। तो हमें ऐसा लगा कि ये गलत कदम है, इसलिए हमने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया। उस पिटीशन में मैंने ये बोला कि एक आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स से हट हो रहे हैं और मेरा जो एज ए सेक्युलर सिटीजन राइट टू वर्शिप है, वहां जो चर्च है मैं वहां जाके वर्शिप करना चाहता हूँ, वो मैं अब नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरा फंडामेंटल राइट हट हुआ है, इसलिए इसको खारिज किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि नोटिस वगैरह जारी होने के बाद और 1975 की जून में इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी में सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए जी, और वो ग्राउंड बना, वो पिटीशन सिर्फ एक दिन में डिस्कस कर दिया कि क्योंकि इस पिटिशनर के फंडामेंटल राइट सभी सस्पेंडेड है, इसलिए ये पिटीशन खारिज किया जाता है।
तो जो मुद्दे थे वो तो वही के वही खड़े रहे, उसका भी जवाब नहीं मिला। लेकिन ये एक अन्याय हुआ देश के साथ और उसको लेकर मैं बड़ी पीड़ा थी जी। सर अगर कच्छ त्रिभुवन द्वीप हमारे पास होता तो, क्योंकि अब ये बात निकल के आ रही है कि जो तमिलनाडु और केरल के मछुआरे हैं उनके एक तरीके से वहां तक जाने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होती है, दूसरी रणनीतिक तौर पर भी सुरक्षा के लिहाज से भी देश की एकता और अखंडता के लिहाज से भी ये जरूरी है कि हर हिस्सा जो भारत का है वो भारत का रहे, आपको लगता है कि उस लिहाज से भारत ने बहुत कुछ खो दिया? बहुत खतरनाक स्थिति में हम आ गए हैं। और ये मैंने उस समय कहा था कि श्रीलंका से आज हमारे संबंध अच्छे हैं, मधुर है, आगे जाकर के खराब भी हो सकते हैं। और वैसा ही हुआ, युद्ध हुआ, इक्के इक्के हुआ, एक प्रधानमंत्री की जान चली गई, बहुत संबंध हमारे खराब रहे। कल को अगर वो टापू श्रीलंका चीन को या अमेरिका को बेच दे और वो लोग अपने वो हथियार लगा दे तो क्या स्थिति बनेगी? ये बहुत सामरिक महत्व का द्वीप है, इसको पेशे के छोटा है, 200 एकड़ ही है हार्डली, और वास्तविक चर्च बनी हुई है और कुछ भी नहीं है वहां पर, लेकिन ये खतरनाक स्थिति है और इसको लेकर के भारत सरकार को कुछ से कुछ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस मेरी नजर में इलीगल था, असंवैधानिक था और ये इमरजेंसी का फायदा उठा करके इन्होंने ये सब कर लिया जी। ब्रज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरे वाह लेजेंड की बेल, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पर मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका, पताका चाय गजब का स्वाद। मैं कह जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। यारो शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा, कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन, तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI देश का फैन। भारती हेक्साकॉम लिमिटेड, अ सब्सिडियरी ऑफ भारती एयरटेल लिमिटेड, नाउ प्रपोजेस एन इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर्स। द 100% बुक बिल्ट ऑफर इज बीइंग ऑफर्ड एट अ प्राइस बैंड ऑफ ₹542 टू ₹570 पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹5 ईच। ऑफर ओपन्स ऑन वेडनेसडे April 3rd 2024, ऑफर क्लोजेस ऑन फ्राइडे April 5th 2024। द एंकर इन्वेस्टर बिडिंग डेट इज ट्यूसडे April 2nd 2024। फॉर रिस्क्स इन्वॉल्वड एंड अदर डिटेल्स प्लीज रेफर टू द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डेटेड March 22nd 2024 व्हिच इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स ऑफ द कंपनी, SEBI, द BRLMs एंड द स्टॉक एक्सचेंजेस। ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जयपुर में संगठन के साथ बैठकें की हैं। राज्य में अगले महीने 2 चरण में लोकसभा चुनाव होगा। अमित शाह ने जयपुर में पार्टी नेताओं की बैठक में 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर, चुरू और झुंझुनू में पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष CP जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अमित शाह ने सीकर में एक रोड शो भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया। आडवाणी जी स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति भवन नहीं जा सकते थे तो राष्ट्रपति खुद आडवाणी जी के घर पहुंची और उनको देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।
देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को रविवार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के घर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आडवाणी के परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित होते देखना बहुत खास था। यह सम्मान हमारे देश की प्रगति में उनके स्थायी योगदान की मान्यता है। सार्वजनिक सेवा के प्रति उनका समर्पण और आधुनिक भारत को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने हमारे इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले कई दशकों में मुझे उनके साथ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला। आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने को गृह मंत्री अमित शाह ने गौरवशाली पल बताया। उन्होंने लिखा, आज इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने पर हर्षित भी हूं और भावुक भी। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना हम सभी के लिए एक गौरवशाली पल है। आडवाणी जी निस्वार्थ भाव से जीवन पर्यंत देश हित के कार्यों और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित रहे। त्याग, तप और समर्पण से परिपूर्ण उनका जीवन करोड़ों लोगों को शक्ति और प्रेरणा देने का अक्षय स्रोत है। आडवाणी को यह पुरस्कार उनके आवास पर दिया गया। स्वास्थ्य कारणों से वे राष्ट्रपति भवन खुद नहीं पहुंच सके थे। उन्हें सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति भवन ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अपने दृष्टिकोण के साथ उन्होंने पूरे देश में दशकों तक कड़ी मेहनत की और सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लेकर आए। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी और उनके पुत्र जयंत आडवाणी ने खुशी जताई। वास्तव में बहुत गौरव का पल है और दादा का जीवन, उनकी जीवन यात्रा देखते हुए मुझे लगता है ये इस पड़ाव पर उनको मिलना बहुत हम परिवार वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। दादा ने अपना सर्वोच्च जीवन देश सेवा में लगाया है, तो इस तरह से उनका सम्मान मिलना उनको, मुझे बहुत खुशी है। ये एक परिवार के लिए प्रसन्नता का प्रसंग है और हम सब आज बहुत ही निश्चित रूप से प्रसन्न हैं। आज हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि उम्र के इस पड़ाव पर जब वो पहुंचे हैं तो उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि आडवाणी जी के योगदान को आज भारत सरकार ने सराहा है। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रपति भवन में चार शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये चार शख्सियत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर आगामी वित्त वर्ष में देश विदेश में उपभोक्ता शिक्षा, वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता सुरक्षा आदि विषयों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इवेंट है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कीनोट एड्रेस दे रहे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और एक स्पेशल एड्रेस दे रहे हैं और बहुत सारे डिग्निटरीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो मुंबई में हो रहा है। और ये जो 90th ईयर है, यानी कि 2000 फाइनेंशियल वित्त वर्ष 2024-25, इसमें हम बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया है और इस जिसमें कि मेन है, दो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम अरेंज कर रहे हैं देश भर, बहुत जगह में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस सब चीजों में बहुत हम कैंपेन वगैरह करेंगे स्टेट हेडक्वार्टर्स और छोटे छोटे टाउन्स में भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। और यहां पे एक और छोटे से ब्रेक के लिए रखते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स दे घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच में। तो
खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। भारती हेक्साकॉम लिमिटेड अ सब्सिडियरी ऑफ भारती एयरटेल लिमिटेड नाउ प्रपोजेस एन इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर्स। द 100% बुक बिल्ट ऑफर इज बीइंग ऑफर्ड एट अ प्राइस बैंड ऑफ ₹542 टू ₹570 पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹5 ईच। ऑफर ओपन्स ऑन वेडनेसडे April 3rd 2024। ऑफर क्लोजेस ऑन फ्राइडे April 5th 2024। The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. और खबर खेल की, भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एवडेन के साथ मियामी ओपन के खिताब अपने नाम कर लिया है। शनिवार देर रात खेले गए फाइनल मुकाबले में रोहन एडवेन की जोड़ी ने क्रोशिया के इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन क्रेजिसेक की जोड़ी को 6-7, 6-3, 10-6 के अंतर से पराजित किया। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एवडेन ने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली है। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने शनिवार देर रात मियामी ओपन का खिताब अपने नाम करके इतिहास रच दिया। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन की जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिंग और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक की जोड़ी को 6-7, 6-3, 10-6 के अंतर से पराजित करके प्रतिष्ठित खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। करीब 1.5 घंटे से अधिक समय तक चले रोमांचक खिताबी मुकाबले के पहले सेट में रोहन एवडेन की जोड़ी को 6-7 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। हालांकि दूसरे सेट में इस जोड़ी ने शानदार खेल दिखाया और 6-3 के अंतर से दमदार वापसी करके इस सेट को अपने नाम कर लिया। इसके बाद अपने बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन ने मुकाबले का तीसरा सेट 10-6 से अपने नाम करके ट्रॉफी पर 6-7, 6-3, 10-6 के अंतर से कब्जा जमा लिया। बोपन्ना और एवडेन पहली बार मियामी ओपन के फाइनल में पहुंचे थे और जीत हासिल करने में सफल रहे। इस जीत के बाद रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन की जोड़ी को ATP रैंकिंग में भी फायदा मिलेगा। सोमवार को जारी होने वाली ATP रैंकिंग में रोहन एवडेन की जोड़ी एक बार फिर से दुनिया की नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी बन जाएगी। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का ये इस सीजन का दूसरा खिताब है। गौरतलब है कि इसी साल की शुरुआत में इस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, GT न्यूज। और बात आस्था की, ईस्टर का पर्व आज पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता है कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद प्रभु यीशु आज ही के दिन पुनर्जीवित हो गए थे। शनिवार को रात देश के विभिन्न गिरजाघरों में मध्य रात्रि ईस्टर प्रार्थना आयोजित की गई। इस उत्सव को नई शुरुआत और वसंत के आगमन के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर पर भारत और विदेश में रहने वाले नागरिकों, विशेषकर ईसाई समुदाय के लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि यह पर्व प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लोगों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने शुभकामना संदेश में कहा है कि ईस्टर प्रेम, करुणा और क्षमा का पुनर्स्मरण कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि यह विशेष अवसर नवीनीकरण और आशावाद का संदेश संप्रेषित करेगा। उन्होंने मानव जात के बीच एकता और शांति की कामना की है। इस खबर के साथ फिलहाल न्यूज नाइट में बस इतना ही, लेकिन DT न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा।